जो बड़े पैमाने पे जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ तो उस लेकर के सरकार को बाहर फेंकने के लिए जो संकल्प माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि चौहान समाज के समकक्ष जितने भी विराजन का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंच से एक बात कही कि योगी जी के लोगों ने बलात्कार समाज के समाज के योगी जी के समाज के। ये क्या मामला है, ये कैसे पता कि हालांकि हमको जो जानकारी है योगी का कोई समाज नहीं होता या संत का कोई समाज नहीं होता। योगी जी का अपना समाज नहीं होता, तो आज सबका विकास और सबका साथ वाली भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ठाकरों की सरकार के रूप में नहीं जानी जाती। और योगी जी का अपना समाज नहीं होता तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के घर बुलडोजर चल रहा है, तो ब्रजेश सिंह और सुशील सिंह और विनीत सिंह के घर पर भी बुलडोजर चलता। तो योगी जी का भी अपना समाज है। वैसे बलात्कारी किसी समाज के नहीं होते, एक विक्षिप्त नेचर के लोग होते हैं, लेकिन जब उन्हें बचाने का जाति के आधार पर काम किया जाता है, उसमें एक व्यक्ति फरार है, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ 5 रोज पहले, और अगर वो पकड़ा नहीं जा रहा है और पुलिस उसका सहयोग कर रही है, और अगर वह योगी जी के बिरादरी का नहीं होता तो तब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। तो कानपुर में अगर इस तरह का आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तो आप कानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे वहाँ? मैं गया था 2 दिन पहले और मैं बोल करके एसपी को खुद बोल करके आया कि अगर अपराधी 1 हफ्ते के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा तो कानपुर की सड़कों पर इंकलाब होगा। क्या कार्यक्रम था? आज जो है भाजपा बचाओ और प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति सम्मेलन था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर संजय चौहान, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सर्व समाज को संबोधित करते हुए आने वाले 2022 में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन किए हैं, उस गठबंधन की सरकार बने माननीय श्री अखिलेश यादव दूसरी बार इस सूबे के सीएम बने। रामाचार्य जी, आप यात्रा लेके भी उत्तर प्रदेश में निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं मोती सिंह जी, राजेंद्र सिंह और मोती सिंह जी, वो अभी एक दिन पहले आए थे, कहते हैं सपा तो साफ है उत्तर प्रदेश से। देखिए वो स्वयं कह रहे हैं ना, जनता थोड़ो कह रही, जनता तो आपके सामने है। जो जन यात्रा हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी निकाले हैं, चाहे पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल है, उस विजय यात्रा के माध्यम से जो समर्थन मिल रहा सर्व समाज का, और उस समर्थन ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त होकर युवा साथी और हमारा नौजवान भाई बहन बड़े पैमाने पे माननीय अखिलेश जी को अपना महबूब नेता मानकर और दूसरी बार सीएम बनाने के लिए वो रातों दिन लगा। उसी कड़ी में देखिए, इस कड़क ठंड में जितने बड़े पैमाने पे जन समर्थन मिला इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भाई श्री डॉक्टर संजय चौहान, तो ये तो बिल्कुल उदाहरण है ना कि आने वाला दिन जो है समाजवादी पार्टी का होगा। बहन मायावती जी के साथ भी आप काफ़ी समय तक काम कर चुके हैं, चुनाव को लेकर के उन्होंने भी कहा है कि हम ताकतवर तरीके से लड़ रहे हैं और उनकी सरकार बनने का भी इस तरह के भी ज्ञात चलाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकते हैं उनके, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए वो तो क्लियर है, वो तो आप ही लोग दिखाए हैं, पूर्वांचल में 8% वोट और पश्चिम में 15, तो 8 पूर्वांचल में पश्चिम में 15 बसपा को तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है जो पिछला 2017 में जितने विधायक चुने गए थे उससे भी कम आएंगे। सतीश मिश्रा जी आए थे चंदौली में, कहे थे कि समाजवादी पार्टी उन्हीं को अपने पार्टी में ला रही है जो बहुजन समाज पार्टी से हटाए गए हैं पार्टी से, या तो उनको निकाला गया है। देखिए वो तो वो कह रहे हैं ना, लेकिन जो पार्टी से निकाले गए हैं तो जिस विचारधारा से, जैसे मैं हूँ 38 साल जिस विचारधारा से जुड़ा था, तो उसी विचारधारा से मिलते जुलते समाजवादी पार्टी का मैंने अपने समाज के माध्यम से वोटर सपोर्टर वर्करों के माध्यम से पूरे प्रदेश में घूम घूम कर 7 नवंबर के पहले उनसे राय लिया, और 7 नवंबर को जो है भानमती पीजी स्मारक कॉलेज में